नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास सेवन्थ है, क्लास सेवन्थ के अंदर अपने 11.1 प्रस्ताव लिए है, ठीक है। चैप्टर 9 आपके पूरे कंप्लीट हो चुका है। अब 9 हो चुका है तो नया चैप्टर आ रहा है क्षेत्रफल और परिमाप, वो अपने कर रहे हैं, ठीक है। तो 11.1 प्रश्नावल, उसके मैंने कुछ सूत्र आपको लिखे हैं, वो आपको मैंने ब्लैकबोर्ड पे नोट डाउन कर दिए हैं, आप उतार लेना, मैं सूत्र समझा देता हूं। पहला है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई एल इंटू बी। तो मैंने देखो इंग्लिश में लिखा है, लंबाई का मतलब एल होता है, लंबाई यानी लेंथ, और चौड़ाई को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ब्रिथ यानी चौड़ाई। तो एल इंटू बी भी लिख सकते हो, नहीं तो हिंदी में लिख लेना लंबाई इंटू चौड़ाई, क्लियर हुआ। इसी प्रकार आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इसका जो सूत्र है वो आपका वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा वर्ग, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका सूत्र आपका अलग हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा हो जाएगा, क्लियर हुआ। उसके बाद में आता है वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होगा, 4 इंटू भुजा वाला लगेगा। उसके बाद में आता है वर्ग की भुजा निकालनी हो, भुजा निकालनी हो और अगर वर्ग का परिमाप आपको मिल जाए दिया हुआ, तो फिर आप ये सूत्र लगा देंगे परिमाप बटे 4। और छठा सूत्र है आयत की लंबाई निकालनी हो, अगर आपको आयत की लंबाई निकालनी होगी तो इसको मतलब आपको आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, तो हमें लंबाई बटा चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई आयत का क्षेत्रफल दिया होगा, चौड़ाई दी होगी तो लंबाई निकाल लेंगे, और चौड़ाई निकालनी होगी तो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया होगा, इसमें लंबाई का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके मैंने देखो 7 सूत्र लिखे हैं, और भी कोई आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। बाकी ये जो मेन मेन सूत्र वो मैंने सारे लिख दिए आपको ब्लैक बोर्ड में। अब अपने सूत्र लिख दिए, अब अपने इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आयत के भूखंड की लंबाई 500 मीटर और उसकी चौड़ाई है वो 300 मीटर दे रखी है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, यही सूत्र लगेगा हमारा। और उसके बाद दूसरा पार्ट लिखा भूखंड का मूल्य भी निकालना है, यानी उसको जो मूल्य दे रखा उससे गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये वाला सूत्र लगेगा हमारा पहले वाला, तो पहले वाला सूत्र लगेगा। लंबाई आपको दे रखी 500 मीटर, ठीक है, लंबाई दे रखी और आपको चौड़ाई आपको दी हुई है, तो लंबाई और चौड़ाई वाला सूत्र लगा देंगे हम। तो आपको देखो लंबाई दी हुई है, लंबाई को हम L से शो कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है L लिख देंगे, L बराबर आपको दे रखा 500 मीटर, ठीक है, और B बराबर दे रखा चौड़ाई दे रखी 300 मीटर। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भूखंड का क्षेत्र भूखंड है वो आयताकार है, तो आयत का ही लगेगा, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी हो जाएगा। तो देखो 500 इंटू 300 गुणा कर लो, तो देखो गुणा करना भी सिंपल सा है, 5 को 3 से गुणा कर लो 15, और 2 जीरो इसमें 2 जीरो 4 जीरो लग जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट निकालने, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि भूखंड का कुल मूल्य बताओ, यानी भूखंड का मूल्य कितना है, तो आप निकालेंगे भूखंड का मूल्य, भूखंड का मूल्य, भूखंड का मूल्य आपको जो अंश क्षेत्रफल आया है उसको आप गुणा कर देंगे मूल्य, मूल्य आपको दे रखा है 10,000, 10,000 से इसकी क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे 1,50,000, तो पीछे जीरो ही लगेंगे आपके 1,500,000, 4 जीरो तो है, 4 जीरो और जुड़ जाएंगे 8 जीरो हो जाएंगे,
ये आंसर आ जाएगा रुपए, यानी इतने रुपए भूखंड का मूल्य है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो क्षेत्रफल भी ज्यादा आएगा, क्षेत्रफल ज्यादा आएगा तो उसका मूल्य भी ज्यादा ही आएगा भूखंड का। तो क्लियर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका देखो सेकंड क्वेश्चन है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और चौड़ाई का देखो मैंने सूत्र बता दिया, वो सूत्र उठा के आपको वैल्यू पुट करनी है। चौड़ाई निकालनी, क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई दे रखी है, फिर उसका परिमाप और निकालना। तो परिमाप निकालने के लिए आपको मैंने सूत्र लिखाया था, तो परिमाप के लिए आपको लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए, लेकिन आपके पास में क्या है कि क्षेत्रफल और चौड़ाई नहीं दे रखी, तो चौड़ाई निकालेंगे हम, इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। आपको दे रखा है क्षेत्रफल, तो सेकंड पार्ट में आपको जो दे रखा है सेकंड क्वेश्चन वो ये है, क्षेत्रफल चौड़ाई निकालनी, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, और लंबाई भी आपको दी हुई है, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 44,440 मीटर स्क्वायर, और लंबाई आपको जो दे रखी है वो दे रखी 22 मीटर। चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई का देखो मैंने आपको पहले सूत्र लिखा रखा है, सारे सूत्र मैंने आपको लिखा दिए, चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। लंबाई को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, एल लिख सकते हो या इंग्लिश में एल लिख लो। आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 44 और 22, 22 के 22 44 दो बार 20, तो 20 मीटर आ जाएगा। तो देखो आयत की लंबाई आ गई, चौड़ाई हमने निकाल ली, अब आपको निकालना आयत का परिमाप, यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप को सूत्र लगा देंगे, आयत का परिमाप इसका सूत्र होगा 2 (L + D), तो 2 का तो 2 ही रहेगा, लंबाई मैंने बता दी, लंबाई को हम L से शो करते हैं, तो लंबाई कितनी है 22, तो 22 लिख देंगे। चौड़ाई को मैंने बता दिया ब्रिज बोलते हैं, तो चौड़ाई हमारी कितनी है 20, तो 20 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ दो, तो 22 और 20 जोड़ के 42 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 42, 42 को 2 से कर देंगे 4 = 84, तो ये आपका आ जाएगा 84 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84 मीटर इसका वो परिमाप आएगा आयत का। ठीक है, तो क्लियर हो गए क्वेश्चन में, सेकंड आपके पूरा कंप्लीट हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सूत्र बेस्ड है, सूत्र आपको याद होंगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सूत्र को अच्छे से रट लो और फिर क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है, सॉरी अपने क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर जो 3 किया अपने पहले, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया तो कोई नहीं अब कर लेते, ठीक है, पहला करवाया था उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहे, दूसरा नहीं था, थोड़ी कंफ्यूज हो गया। अब आगे देख लेते हैं, एक वर्गाकार पार का क्षेत्रफल निकालना जिसका परिमाप दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमारा होता है भुजा इंटू भुजा, लेकिन भुजा नहीं दे रखी, और भुजा निकालने का मैंने सूत्र बताया था परिमाप बटे, क्या बताया था परिमाप बटे 4, ये सूत्र इसका सूत्र था, वो वाला सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको ये सूत्र लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 2 है, परिमाप आपको दिया हुआ है, परिमाप आपको दे रखा है 320 मीटर। ठीक है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल तो निकलेगा नहीं, तो सबसे पहले हमारे क्या निकलेगी भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा, तो भुजा निकालने का सूत्र बताया था मैंने परिमाप बटे 4, तो 320 लिख देंगे,
और बट्टे में चार लगा देंगे, चार के बाड़े से 320 कट जाएगा, चार अंडे 32 यानी कितना आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा, यानी वर्ग की भुजा हमारे आ गई 80 मीटर। अब वर्ग की भुजा आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा। भुजा आपको दे रखी है 80 मल्टीप्लाई 80 और इसकी गुणा भी देखो सिंपल सी है, 8 को 8 से करो 8 बटा 64 और पीछे 2 जीरो लगा दो, यह आंसर है। यानी इसका क्षेत्रफल आपके क्या गए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको सीधे नहीं दिए रखे, कुछ घुमा के दिए हैं, पहले आपको वो चीज निकालेंगे तब वो दूसरी चीज आएगी। ऐसा नहीं कि सीधा दे दिए भुजा दे दी क्षेत्रफल निकालो, ये नहीं है, घुमा के दिया है, आप उल्टा दिया है, उल्टे से पहले कुछ किया तो भुजा निकालो या क्षेत्रफल निकालो, लंबाई निकालो चौड़ाई, फिर उसके हिसाब से उसका क्षेत्रफल या परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, 3 पहले करवा दिया था मैंने। ठीक है, अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक आयताकार सीट का परिमाप दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी, आयताकार सीट है तो आयताकार सीट के तो आयताकार यानी आयत वाली सूत्र लगेगा, तो उसका परिमाप दिया हुआ है और आपको लंबाई दी और उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी, तो परिमाप का सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, आयत के परिमाप का सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, तो आयत का परिमाप सूत्र लगा देंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो परिमाप दिया हुआ है 100 मीटर, परिमाप आपको दे रखा है 100 मीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है, तो लंबाई दी गई है, लंबाई आपको दे रखी है 35 सेमी, तो ये भी सेमी भी दिया हुआ था और ये भी सेमी है, परिमाप दिया लंबाई दिया आयत के परिमाप का सूत्र लगेगा इसमें। दो ब्रैकेट में एल प्लस बी ये लगेगा, तो आयत का परिमाप देखो 100 है तो 100 लिख लो यहां पे, 2 का 2 लंबाई इसमें दे रखी है L, लंबाई L को हम लंबाई से शो करते हैं तो 35 लिख देंगे, B आपको नहीं दे रखा तो B का B रहने दो या B की जगह आप X पुट कर दो, यानी जब B का मान नहीं दिया हो तो उसको हमने X मान लिया, यानी B का मान हमने कुछ नहीं दिया हो तो उसको हम X मान लेते, तो X ले लिया 100, 2 की गुणा होगी पहले 2 की 35 से होगी तो कितना आ जाएगा 70, 2 की x से कर देंगे 2x आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समीकरण वाले क्वेश्चन 4 चैप्टर 4 करवाया तो उसमें समीकरण वाली थी, अब 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, सत्तर में से 100 माइनस हो जाएंगे 30 आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी x का मान 15 निकाल दिया और आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र देखो आपको सबको पता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमने ये तो निकाल ली, अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, किसका लगेगा, आयत का क्षेत्रफल, मैं यहां कर रहा हूं आयत का क्षेत्रफल, इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सूत्र लगेगा, L इंटू बी लगेगा, तो देखो L आपके पास दे रखी है 35 और B आपने निकाल ही लिया 15 है, X का मान हो, X किसको लिया था, B को लिया था तो 15 कर देंगे, गुणा कर लो 35 की 15 से गुणा कर दो, 15 के 5 15 का पाड़े से सीधे ही कर दो, 15 5 75 का 5 ऐसे लग जाएगी 7, 15 की 45 और 7 कितने हो गए 52 हो गए,
कितना आंसर आ जाएगा? 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। कितना आएगा? 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपके चार क्वेश्चन हो गए इसके। अब आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार का क्षेत्रफल एक आयताकार पार के बराबर। अब इसने कहा एक कोई वर्गाकार है, वर्ग के शेप में पार्क दिया हुआ है और एक आयत के क्षेत्र शेप में, और ये कह रहा है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है क्या दे रखा है, दोनों का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो आपको बराबर बता रखा है। तो बराबर बताकर हम एक का क्षेत्रफल निकाले या परिमाप निकाले वो दूसरे का होगा। तो यहां पे वर्ग के पार की भुजा दे दी, अब वर्ग की पार की भुजा दे दी तो आयताकार पार की लंबाई दे रखी है, तो आयताकार पार की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो इसको मतलब हमें आयताकार पार की लंबाई दे रखी और आयताकार पार की चौड़ाई निकालनी है, तो फिर हमें वर्ग के वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप ही निकालेंगे और वही परिमाप हमारे आयत का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाले वर्ग का परिमाप वाला सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, वर्ग का परिमाप। देखो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 60 मीटर दे, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे। इसका सूत्र दो ब्रैकेट में, सॉरी वर्ग का परिमाप का सूत्र अलग होता है, भुजा 4 × भुजा होता है, 4 × भुजा, तो 4 × भुजा की जगह 60 लिख देंगे और इसके गुणा 6 × 24, 240 मीटर आ जाएगा। क्या आ गया? 240 मीटर आ गया। ठीक है, वर्ग का परिमाप आ गया। अब वर्ग का परिमाप आ गया वो को वो परिमाप किसका होगा, क्योंकि इसने पहले से दे दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, सॉरी तो क्षेत्रफल बराबर दे रखा, परिमाप नहीं देगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप नहीं निकालेंगे आपको, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का लगाना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल इसका होता है भुजा 3 × भुजा, ये वाला सूत्र लगेगा, तो आप कर देंगे 60 × 60, 3600। अब ये जो क्षेत्रफल वर्ग का आया, आयत का भी यही है, सेम ही है, क्योंकि इसने पहले से बता दिया वर्ग का क्षेत्रफल वो आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल भी यही होगा। अब हमें आयत के क्षेत्रफल में की लंबाई दे रखी, चौड़ाई निकालनी, क्या निकालनी है हमें, चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो चौड़ाई निकालने का सूत्र क्या है, मैंने आपको लिखा ही दिया, चौड़ाई निकालने का सूत्र मैंने आपको लिखाया था, चौड़ाई इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, बटे में आपके आता है लंबाई। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही आयत का होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो आयत के क्षेत्रफल पे ये भी वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, 3600 ऊपर लिख देंगे, और देखो लंबाई आपको क्वेश्चन में दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है 90 मीटर, 0 से 0 कट गया। अब 9 के पारे में देखो आता है 9 × 36, 4 बार बोलने पर आता है, तो 9 के पारे से 36 4 बार कटेगा और पीछे 0, यानी 40 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा, यानी आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, 40 आ गई। तो आपको थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए, सीधे कुछ भी नहीं है, घुमा के दिए हुए हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
एक तार आयत के आकार का है, एक तार आपको दे रखा आयत के आकार का है, ठीक है। अब आगे कर क्या रहे हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, यदि इसी तार को दोबारा मोड़ कर वर्ग बनाया जाए। अब तार है, पहले आयत बनाया गया और उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है और मोड़ के वर्ग बना रहे हैं, तो अब जितना तार आपके आयत बनाने में लगा उतना तार किसमें लगेगा, वर्ग बनाने में लगेगा। तो अगर आपको आयत के परिमाप पता होगा तो वो परिमाप किसका होगा, वर्ग का होगा। फिर आगे क्या निकालना है, तो पट्टे की भुजा का माप निकालना है, तो माप निकाल लेंगे। फिर यदि यह भी याद कीजिए किसका आकार का क्षेत्रफल अधिक है, तो क्षेत्रफल भी निकालना है, यानी दोनों का क्षेत्रफल और दोनों का परिमाप भी निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई आपकी दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। देखो लंबाई दे रखी 40 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 22 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको लंबाई दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये यहां पे दे रखा है, यदि इसे दोबारा मोड़ के वर्ग बनाया जाए तो फिर हमारे पहले हम आयत का परिमाप निकालेंगे। दो ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, दो का तो दो ही रहेगा, L की जगह 40 लिख देंगे और B की जगह 22 लिख देंगे। दो इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया 62 तो दो से गए, दो दुनी 4, 6 दुनी 12, 124 मीटर आ जाएगा, 124 सेमी आ जाएगा। अब ये आयत का परिमाप आया तो वर्ग का परिमाप भी यही रहेगा, वर्ग का परिमाप बराबर 124 सेमी रहेगा, क्योंकि आयत को मोड़ के वर्ग बना रहे, तार लिया उसे आयत बनाया, कभी वर्ग बनाया तो उसका परिमाप में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो आयत वर्ग का परिमाप यही रहेगा। अब वर्ग का परिमाप आ गया आपके पास में, अब वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। उसका फार्मूला था परिमाप बटे 4, परिमाप की जगह 124 लिख देंगे और नीचे 4 लिख देंगे, 4 का भाग जाता है 124 में, कितनी बार 4 थी 12 31, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई 31 आ गई। आगे अब आपको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल भी, आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है और वर्ग का भी निकालना है, तो दोनों निकाल रहे हैं। तो देखो हम पहले निकाल रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है L इंटू बी वाला सूत्र लगेगा, तो L आपको देखो दे रखी है, दोनों ही चीजें दे रखी है आपको, तो आयत की 40 इंटू बी की जगह 22 कर देंगे, 22 को 4 से किया 88, यानी 880 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हुआ, 880 सेंटीमीटर आ गया आयत का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा होगा, भुजा इंटू भुजा, भुजा आपको दे रखी है कितनी, देखो अपना वर्ग की भुजा निकाल ली थी 31 को 31 से गुणा कर लेते हैं, 8, 6,
961 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल आया 880 और वर्ग आया 961, तो किसका ज्यादा है? वर्ग का। यही पूछा गया है कि वह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, तो आप लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। नीचे आंसर लिखेंगे वर्ग आंसर हुआ लास्ट में जाके आपका यह आंसर रहेगा। तो देखो ये अपने क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, 6 तक अपने कर लिए, इसके दो क्वेश्चन और बाकी वो भी आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना और आप इन सूत्रों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सूत्रों को याद करो, फिर सूत्र होंगे तभी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सूत्र नहीं याद है तो क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं कर पाओगे, सूत्र याद होंगे तो थोड़ा बहुत कर लोगे आप, ठीक है, थोड़ा नहीं पूरा ही कर लोगे आप, अच्छे से आ जाएंगे आपको। सूत्र याद कर लो, आगे के प्रश्न आगे क्लासों में ये यूज आते हैं, पहले आपने ये सब सूत्र पढ़ रखे, कुछ नए नहीं है आपके लिए, 6 में आपने पढ़ लिए थे, अब 7 में फिर आ गए तो 7 पढ़ोगे, 8 तो फिर आ जाएंगे, तो सूत्र तो बार बार आ रहे हैं लेकिन आपको उसकी तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।